आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है। बड़े आयोजन लेकर 54 मंडल में बूथ संख्या 77 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जयप्रकाश चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं 54 मंडल में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर जयप्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी से प्रेरणा लेती है। 2 से 303 सांसदों का सफर पूरा कर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां मात्र 2 सीटें ही जीती थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार ये भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। जब पंडाल में कांग्रेस का महाधिवेशन का संघर्ष हुआ तो हमेशा कांग्रेस का अधिवेशन में शुरुआत बल्ले भाषण से हुआ करता था। भविष्य बंधु ने जब गायन शुरू किया पहली बार नाका नारी हुआ 1932 में वंदे मातरम का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे अधिवेशन में ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने किया कि ये वंदे मातरम खुद प्रस्ती है, इसमें दुर्गा का स्वर आता है, भारत माँ का पूजा है, स्तुति है। इसलिए हम मुस्लिम होने के नाते हम किसी मूर्ति के पूजक नहीं हो सकते। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर हिंदू समाज का आस्था का हम प्रतीक नहीं बन सकते, इसलिए हम इससे बहिष्कार करते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी वहाँ उपस्थित थे। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा जिनको वंदे मातरम से आपत्ति है पहले जाए, कृपया पंडाल से बाहर जाकर वो खड़े। ऐसे उस समय के तुष्टिकरण में विश्वास करने कांग्रेस के मुस्लिम नेता बाहर चले। ये घटना है देश के साथ।